अरे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है और पूरे देश में एक हर्षोल्लास का माहौल है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए राज्य विधायिका के बारे में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके क्वेश्चन, जब आप परीक्षा देते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राज्य विधायिका के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये राज्य विधायिका मतलब है स्टेट लेजिस्लेटर, और ये जो जितने अब है, यानी कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेटर है, ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका गठन यानी कि किस आर्टिकल के तहत होता है, तो यहाँ पे समझेंगे 169 के तहत। भाग किस में दिया गया, 6 में, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है, ठीक है, 152 से 237 तक। राज्य विधायिका के बारे में जानकारी है, भाग यानी 81 से लेकर के, ठीक है, भाग यानी कि 81 में, तो यहाँ पे आर्टिकल्स यानी कि 237 से लेकर के और 242 तक किसके बारे में दिया गया है, यहाँ पर केंद्र के बारे में दिया, केंद्र शासित यानी कि प्रदेशों के बारे में। यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो जानकारी है कि राज्यों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, राज्यों के बारे में जानकारी है, और यहाँ पर ये जो जानकारी है ये है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। प्रदेश का मतलब है जो विधायिका है उनके बाद। यहाँ पर समझेंगे जो विधानसभा है यहाँ पर, ठीक है, इसको कहते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मतलब सभा है, यानी कि विधानसभा, इसका मतलब है मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली यानी कि सभा। दूसरी है हमारे कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल, ध्यान रखिए, बार बार पूछा जाता, 170। यहाँ पर दूसरी है विधान परिषद जिसे कहते हैं, यानी कि, और इसके जो सदस्य होते हैं उसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम कहते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर हैं उनको कहते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि दो तरह के यहाँ पर चुनाव होते हैं, एक तो एमएलए का चुनाव होता है, और यहाँ पर एक एमएलसी का, किसमें, राज्य विधायिका में। अब यहाँ पर इसे क्या कहते हैं हम, यानी कि निम्न सदन कहते हैं, क्या है, निम्न सदन, और ये कौन सा हमारा, उच्च सदन, ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन। क्योंकि उच्च सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यानी कि रेशियो के आधार पर इनडायरेक्ट रूप से सभी यानी कि विधानसभा से भी सदस्य लिए जाते हैं, और विधानसभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और राष्ट्रपति के द्वारा भी चुने जाते हैं, और यानी कि विद्यालयों से भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, यानी कि, और माध्यमिक स्तर के, तो इसलिए इसे कहते हैं हम उच्च सदन यानी इंडायरेक्ट। अब देखिए, इसको उच्च सदन यानी कि बड़ा सदन, बड़े लोगों का सदन, इसे उच्च सदन का मतलब है यहाँ पर बड़े लोगों का सदन, यहाँ पर समझिए, ये है बड़े लोगों का सदन, तो इसे कहते हैं हम उच्च सदन। ये हमारा युवाओं का सदन, ठीक है, युवाओं का सदन, इसलिए इसे कहते हैं निम्न सदन। इसमें जो जनता का घर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग चुन के आते हैं, सेलेक्टेड होट के आते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं, जिसे कहते हैं चर्चित लोगों का सदन। आगे चलेंगे, इसमें जो चुनाव होता है वो कहता होता है प्रत्यक्ष, यानी कि आप कोई भी एमएलए उसको आप वोट करते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट, यानी जिसको आप वोट दे रहे हैं, जनता वोटिंग करेगी, तो इसका मतलब है जो अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं किसमें, यानी कि विधानसभा में, वो होते हैं एमएलए, तो ये डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, चुनाव प्रणाली के द्वारा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा आ गया अप्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से इसका चुनाव होता है। तो हम आगे समझाएंगे, इसे कहते हैं हम अस्थाई सदन, अस्थाई, और ये कौन सा होता है, स्थाई सदन, क्योंकि ये परमानेंट सदन है, ये कभी यानी कि भंग नहीं होता। इसका जो टर्म्स है वो 5 वर्ष तक होता है, ठीक है, कार्यकाल होता है, लेकिन इसका परमानेंट रहता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होता। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे, अब आगे यहाँ पे चलते हैं, ये है आपकी विधानसभा, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, फिर आपका ये हमारा विधान परिषद, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अध्यक्ष बोलते हैं या इसको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विधान परिषद है, इसका सभापति या हम कहते हैं जब सभापति ना हो तो उपसभापति। तो यहाँ पर जो सभापति कौन चुने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लोकसभा में यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसी तरह से यहाँ पर कौन होते हैं, यानी कि जो गवर्नर्स हैं वो यानी कि सभापति अलग से चुने जाते हैं, ठीक है, एक यानी कि जब वो ना होते यहाँ पर उपसभापति इलेक्ट किए जाते हैं। आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के बाद भी जब अध्यक्ष नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष यानी कि कार्रवाई देखेगा, ठीक है, कोई भी वरिष्ठ आदमी है वो देखेगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो विधानसभा, कुल कितने विधानसभा, 31 है, इसमें राज्यों में कितनी विधानसभा, तो ध्यान रखेंगे कि 28, केंद्र शासित पे कितनी यानी कि 3 है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर जो है 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन क्योंकि अभी ये मुद्दा अभी अदालत में भी चल रहा है और डेली इस पर कार्रवाई भी चल रही है, तो हो सकता है कि इसमें आगामी चुनाव हो, तो अभी तो हम इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे, और अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं तो फिर यहाँ पर सीटों की संख्या देख, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ये अभी ये तो है नहीं, ठीक है, प्रेजेंट में ये नहीं है, लेकिन दिल्ली में है और पुदुचेरी में, यानी कि 2 जगह पर विधानसभा है, प्रेजेंट में ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर चुनाव घोषणा हो जाएगी तो फिर इसको आप करेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसलिए मैंने। अब यहाँ पर देखिए कि जो नागालैंड और यहाँ पर मिजोरम है, कुछ स्थानों पर यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी इनडायरेक्ट यहाँ पर निर्वाचन होता है, 2 जगह है, यानी कि ध्यान रखेंगे नागालैंड और यहाँ पर मिजोरम, और बाकी जितने भी जो विधानसभा हैं, ठीक है, उनमें सब में डायरेक्ट यानी कि मतदान होता है, तो यहाँ पर ये अपवाद है थोड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कभी। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या यानी कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 तक हो सकती है। अब 500 में से सबसे ज्यादा किसमें है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो 403 सीट है यहाँ पर ध्यान रखें, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है यहाँ पर महाराष्ट्र यानी कि 288 सीट है, तीसरे नंबर पर है बिहार यानी कि 243 सीट है, और इसके बाद आता है आपका कर्नाटक, ठीक है, और इसकी पूरी यानी कि लिस्ट मैंने पिछली क्लासों में दे दी है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या भी दी है, और साथ साथ मैंने विधानसभा और विधान परिषद की दोनों की सारी सीटें दे दी हैं। अब जैसे कि आपका कहीं चुनाव होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं अभी, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और ठीक है झारखंड है और हरियाणा है, तो इस क्षेत्र में यानी कि ये चुनाव आ गए होंगे, ठीक है, 4-5 महीने में चुनाव होंगे, तो इन पर अभी से ये ध्यान रखें, ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर भी मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है, लेकिन आपको ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, या सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, सबसे कम सीट कहाँ पर है, या क्रम पूछ ला है, या ऑर्डर पूछ लेता, तो उसको भी मैंने यहाँ दृष्टि में रख करके एकदम सही आपका मैं हमने जो भी आपको देते हैं आंकड़े वो एकदम हमारे करेक्टली होते हैं, ठीक है। आप जैसे आप कोई ऑब्जेक्टिव परीक्षा आप कोई भी कर रहे हैं या कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना यही रहता है प्यारे बच्चों, आप थ्योरी पढ़ो, जितना आप थ्योरी पढ़ लोगे और जब आपकी मजबूत हो जाएगी तब कोई भी टेस्ट पेपर को आप कर सकते हैं, नहीं तो आप रट्टा मारते रहोगे, 100 यूँ आप कर लो टेस्ट पेपर, 200 कर लो, ठीक है, कहीं कुछ ज़्यादा आपको
थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे या आप मिसगाइड हो जाएंगे जब एग्जाम परीक्षा में बैठेंगे। और जहां थ्योरी पढ़ेंगे इस तरह से सब चीज़ों को सीख लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं फंसते हैं तो आप सीधे निकल जाओगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो मेरा मानना यही रहता है कि आजकल ज़्यादातर वो चीज़ देते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के या उस तरह से। ऑब्जेक्टिव परीक्षा तो होती है, सिर्फ वो ये जानने के लिए होता है कि आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, तो उसको वहाँ पर समझिए। लेकिन आपको ये अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको गहन अध्ययन करना ही होगा क्योंकि आप भी समझ रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ साथ ठीक है जनसंख्या और सीट उसके अनुपात में बहुत कम होती है तो फाइट बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। जब आपकी नॉलेज दूसरे से ज़्यादा होगी तभी आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि इतने आजकल बच्चे कई कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं। तो आप भी समझिए कि आप नए बच्चे हैं तो हमारे इसको देख लेंगे, ठीक है, आप नज़र भी डाल लेंगे तो आपको जो किताब जो आप पढ़ रहे हैं तो उनसे ज़्यादा मटेरियल और अच्छा मटेरियल यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो निम्नतम जो है सदस्य संख्या 60 है, ठीक है, यहाँ पर निम्नतम कितनी हो सकती है 60 तक और हाईएस्ट कितनी हो सकती है 500। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि निम्नतम से भी जो कम है यानी कि निम्नतम से भी कम किस में है, यहाँ पर पुदुचेरी में है यानी कि 30 सीट है, सिक्किम में कितनी है 32 सीट है। देखिए यहाँ पर ऑल ओवर पूछता है केंद्र शासित और दोनों को मिला के तो सबसे कम है सीट यानी 30। अगर ये पूछ लेता है कि राज्यों में तो फिर आएगा आपका सिक्किम, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए इस क्राइटेरिया से नीचे 60 से कम निम्नतम कितने होने चाहिए 60 से भी नीचे यानी कि किन स्टेटों में है और किन यानी केंद्र शासित प्रदेशों में तो वो भी यहाँ आप समझ सकते हैं और एकदम आप यानी कि मिसगाइड नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पर समझेंगे जैसे गोवा है मिजोरम है इनमें दोनों में कितनी है 40-40 है, यहाँ पर मैंने दिखा ना तो इसका मतलब 40 इसमें और 40 इसमें, ठीक है, दोनों में बराबर है 40-40 है। आगे समझेंगे नेक्स्ट में, इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए इसको ध्यान रखिए यहाँ पर जो विधान परिषद है यहाँ पर, ठीक है, जिसे कहते हैं हम यानी कि MLC, ठीक है, यहाँ पर MLC का चुनाव यानी कि होता है, ठीक है, MLC का मतलब आप समझ गए, ठीक है, काउंसिल कहते हैं परिषद, सी का मतलब इसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, मत के द्वारा ये चुनाव प्रक्रिया होती है। अब इसको ध्यान रखिए जो यहाँ पर जो विधानसभा से विधानसभा के जो सदस्य है तो वहाँ से कितने चुने जाते हैं यानी कि 1/3, ठीक है, कितने यानी कुल जो सदस्य की जो संख्या तो वहाँ से 1/3 यानी कि लिए जाए, ठीक है, तो यहाँ से 1/3 तो वहाँ से लिए जाएंगे। अब 1/6 यहाँ से लिए जाएंगे और यहाँ पर देखिए जो स्थानीय है संस्थाओं से 1/3 लिए जाएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालयों से 1/12 और माध्यमिक ऊंचे माध्यमिक या ऊंचे स्तर के जो स्कूल कॉलेज विद्यालय है वहाँ से 1/12 यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो टीचर है या प्रोफेसर है उसमें से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे जो विधान परिषद में, तो यहाँ को इसलिए ये उच्च सदन के कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे 1/3 अगर हम इसको क्या ले लें इनका सबका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब इनको करेंगे तो इसको हम ठीक है एलसीएम ले लिया तो 3 × 4 = 12 तो 4 यानी कि ये, ठीक है, आगे तुम ना हमने मान लिए टोटल यानी कि 12 ठीक, तो यहाँ पर कितना 3 × 4 = 12 फिर यहाँ पर 6 × 2 = 12 इसको भाग देंगे 2 हो जाएगा। जैसे एलसीएम लेके करते हैं तो फिर यहाँ पे 3 × 4 = 12 4 भी हो जाएंगे, ठीक है, आगे देखेंगे 12 × 1 = 12 ठीक है यहाँ पर और ये 12 × 1 = 12 1 ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4 × 4 = 8 8 × 8 = 4 = 12 ये तो बराबर हो गए, ठीक है, आगे समझ में ना। तो इस तरह से चुने जाएंगे यानी हमने मान लिया टोटल कितने हैं 12 हैं, ठीक है 12 हैं, तो यहाँ पर समझिए कि जो विधानसभा से कितने लिए जाएंगे 4 लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मनोनीत कितने किए जाएंगे 2 सदस्य किए जाएंगे 12 में से
अब देखिए यहाँ पर आप समझिए, जो स्थानीय संस्थाओं का मतलब है 1/3, ठीक है, 1/3 जो कि नगर पालिका ग्राम पंचायत में, 12 में से कितने किए जाएंगे, 4। अब यहाँ पर जो विश्वविद्यालयों से कितना लिया जाएगा, 1। अब यहाँ पर माध्यमिक जो टीचर प्रोफेसर कितना होगा, 1। 12 अगर हमने मान लिए, कुल सदस्य संख्या मान ली हमने 12। आगे समझ में प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा उसमें 100 हैं, कितनी हैं, 100 हैं, तो हम मान लीजिए करीबन यानी कि 99, तो 99 को हम देखेंगे, फिर इनसे भाग दे दो तो वहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा तो वहाँ आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर निकाल देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर MLA यानी कि समान, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो MLA का मतलब है विधानसभा में, यानी कि कहाँ पर समान है, यानी कि सदस्य संख्या समान है या सीट संख्या समान है। तो यहाँ पर देखेंगे जो MLA है तो कहाँ पर सीटें समान है, किन यानी कि राज्यों में, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90-90 सीट है, यानी कि इसका मतलब है समान सीट है, यानी कि समान सदस्य हैं कहाँ पर, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा समझेंगे कि यानी कि MLA उसकी जो सीट है वो बराबर है, ठीक है, या सीट संख्या बराबर है, तो यहाँ पर अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें प्रत्येक में 60-60 सीट है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर सब में 60 है। अब देखिए दो यानी कि यहाँ पर जो मिजोरम और गोवा, इसमें दोनों में कितने 40-40 सीटें बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि मिजोरम के बराबर किसमें सीट संख्या बराबर है या कितनी है, किस राज्य में, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। जैसे यहाँ से पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ के राज्य की सीट किस स्टेट की सीट संख्या के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन आपको, या समानता है, या कितनी सीट है, ऐसे क्वेश्चन आपको नए तरीके से वो आपको रख देगा, तो ठीक है। जो आपको ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप ढंग से पढ़ो। अगर वन टाइम में आपको कोई भी परीक्षा निकालनी है तो अच्छी तरीके से पढ़िए, वन टाइम में निकाल दोगे। अब आप अगर मेरी GS की किताब में उसको देखेंगे, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है, कोई भी आपका बाहर जाने वाला नहीं, सारे क्वेश्चन वहीं मिल जाएंगे। आप एक बार नज़र डाल लीजिए, उनको दोहरा लो, ठीक है, चला के आप देखते रहो, पढ़ते रहो, इस तरह से जैसे आप कोई फिल्में देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे MLC का यानी कि समान संख्या किसमें है, तो यहाँ पर देखेंगे बिहार और कर्नाटक। देखिए आप अगर किसी चीज़ को उसको चला करके भी एक लेक्चर की तरह वहाँ पर सुनते भी रहोगे ना, तब भी आपकी GK बहुत सारी कवर हो जाएगी, और भी काम करते रहोगे और आप उसको सुनते भी रहें, ठीक है, वहाँ पर दोनों चीज़ें आपको हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर बिहार की जो विधानसभा विधान परिषद की सीट संख्या कर्नाटक की सीट संख्या के बराबर है, या सदस्य संख्या दोनों में बराबर है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद जो यहाँ पर मैंने लिखा का मतलब MLC का चुनाव होता है, हमें इन्हें बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इसकी अधिकतम संख्या यानी कि कितने हो सकती है, यानी कि 100 सबसे ज्यादा यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर निम्नतम यानी किसमें, यानी कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी के केंद्र शासित प्रदेश है, जब यहाँ पर हो सकता है कि अगर इसको स्टेट का दर्जा मिल जाए, ठीक है, तो अभी तो ये कैंसिल है, ठीक है, और हो सकता है कि इसमें चुनाव हो आगे, संभावना हो सकती है, तो क्या कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जब यहाँ करेक्ट कर लेना, अब यहाँ पर अभी केंद्र शासित है तो इसको अभी हटा के चलना। यहाँ पर तेलंगाना में यानी कि सबसे यानी कम यहाँ पर मान के चलना, ठीक है, आप ध्यान रखिए। अब देखेंगे क्योंकि वो तत्काल देखेगा, तत्काल यानी कि किस है, क्योंकि अभी तत्काल परिस्थिति में एक केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वो तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यह है कि विधान परिषद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहले से भी आप पढ़ रहे होंगे 2 सदन थे, यानी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, क्योंकि आपके केंद्र साथ है, तब यहाँ चुनाव है नहीं, ठीक है,
हो सकता है आगे हो या ये केंद्र शासित ही बने रहे, या केंद्र शासित बने रहने के बाद भी है चुनाव हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे दोनों चीजों को, ठीक है, अकॉर्डिंग कंडीशन। आगे चलते हैं और साथ साथ हम आपको बता देंगे जैसे भी आपकी कंडीशन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर विधान यानी कि सभा, यहाँ पर ठीक है, फिर वहीं से ले रहे हैं यानी विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, यानी कि दो हाउस होते हैं विधायिका में, ठीक है, दो सदन। यहाँ पे मनोनीत सदस्य यानी कि एक एंग्लो इंडियन यानी कि अपॉइंटमेंट होता, तो एंग्लो इंडियन शब्द के अब हटा दिया गया, तो इसको तो आप मैंने इसको कैंसिल मार दी, ठीक है, अब एंग्लो इंडियन शब्द हटा दिया। कब से हटाया गया, ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2019 में, तो एंग्लो इंडियंस की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इसको समाप्त कर दिया गया इस पद को। ये जो मैंने कहा लिखा समाप्त, समाप्त का मतलब है इसके एंग्लो इंडियन शब्द को यानी समाप्त कर दिया, यानी एक आदमी के मनोनीत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आगे चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंग्लो इंडियन जैसे कि वहाँ पर भी खत्म किया गया था, जो लोकसभा में दो यानी एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता तो वहाँ से भी खत्म किया गया, तो एंग्लो इंडियन शब्द ही खत्म किया गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान आगे चलेंगे, यहाँ पर पहले ये ले लेते, ठीक है। अब यहाँ पर कुल मनोनीत किए जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ मनोनीत बताया यानी विधानसभा में, और यहाँ पर विधान परिषद से कितने लोग मनोनीत किए जाएंगे, कुल सदस्य संख्या यानी कि जितने भी सदस्य हैं, यानी कि मान लिया कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने हैं, यानी कि 100 हैं, ठीक है, तो उसका 1/6, 1/6 का मतलब है जो भागफल आएगा वो, ठीक है, पॉइंट में तो कोई आदमी हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो भागफल जो आएगा उतने, यानी कि इसमें कुल मनोनीत सदस्य 1/6 कौन अपॉइंटमेंट करेगा, यानी गवर्नर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर कौन राज्यपाल अपॉइंटमेंट करता है, कौन मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल, और केंद्र में कौन करता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति करता है। वहाँ पर हमने पूरा विस्तार पूर्वक डाली है, तो वहाँ पर आप देखिए बहुत ही मैंने विस्तार से डाली है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो कला है, ठीक है, यहाँ पर कला साहित्य विज्ञान सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में जो जिन्हें विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई हो, तो उन सदस्यों को यानी कि राज्यपाल मनोनीत करता है, यानी कि कितने 1/6, क्योंकि अलग अलग यानी कि जो विधानसभा अलग अलग है तो उनमें सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है। तो यहाँ पर समझिए कि किसी का अगर पूछता है तो वहाँ पर आपको विधानसभा की सीट की संख्या मालूम होना चाहिए और उसका 1/6 कर दोगे, ठीक है, 1/6 से जो भागफल आएगा इतने लोग यानी कि कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल, क्लियर है यहाँ पर। तो आप किसी का निकाल सकते हैं डाटा, ठीक है, अगर आप अच्छी नॉलेज होगी तभी कर सकते हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते रहोगे, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं चैनलों को, आप बहुत सीधे देख रहे हैं कि ये टेस्ट करो ये टेस्ट करो, जब बच्चे को पता ही नहीं है याद नहीं है तो कहाँ से टेस्ट करेगा, पहले आपको किसी चीज़ का नॉलेज होगी, ठीक है, अध्ययन होगा या कोई चीज़ पढ़ी होगी तभी तो आप वहाँ पर कर पाओगे, जब आपको पहले सतह स्तर पर ज्ञान नहीं, और अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर रख दे आप फटाक से कर दोगे, और अगर आप ठीक है नहीं है तो आपको कुछ कुछ ठीक है उसमें से ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा आएगी तो उसमें से आपने गलत गलत को भी कही ये नहीं हो सकता ये नहीं, तो सही को आप खुद ही निकाल लोगे जज कर लोगे, और वहाँ पर आपको ठीक है, और वो जो आप तुक्का लगाएंगे तो एकदम फिट बैठेगा वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पर ज़्यादा आदमी मिसगाइड हो जाता है, तो उन चीज़ों से आप बचो, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा मैंने कभी ठीक है PCSIA दिया तो कभी भी मैंने, और जबकि मैंने इतने टाइम निकाला है PCS परीक्षा को, 6 टाइम से माने मैंने मेंस लिखा, ठीक है, इंटरव्यू तक फेस किया लोअर में, वहाँ पर भी, तो मैंने कभी भी यानी कि बस देखता था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी मेरी थ्योरी पर ही पकड़ रहती थी। तो आप भी समझिए कि मेरा इसलिए यही ध्येय रहता है, जो मैं जो भी स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर बहुत कम विश्वास करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा करता हूँ कि बच्चा थ्योरी पढ़े, और थ्योरी के आधार पर आप ठीक है ऑब्जेक्टिव को आप देख लीजिए कि इससे टेस्ट पेपर में कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको फोकस करें। कभी कभी ये होता है कि वो अलग से हट के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहीं आप कई कई साल तक अध्ययन करते रहते हैं, ऐसे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो
पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आपको अच्छी शिक्षा दें और अच्छी आप जानकारी हासिल करें, जिससे वन टाइम में आप किसी भी परीक्षा को निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहकाने वाली कोई बात नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आरक्षित सीट यानी कितनी है? ठीक है, आरक्षित सीट का मतलब जो रिजर्वेशन है, ठीक है, किसमें? विधानसभा में जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल किसमें? अनुच्छेद 103 आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद है, यहाँ पर समझ जाओगे 330 में दिया आरक्षित सीटों यानी कितनी सीटों, एससी की एसटी की या यानी कि महिलाओं की सीट की यानी कि रिजर्वेशन कितना है। तो यहाँ पर भी विधान जो आरक्षित सीटें इसमें विधान परिषद में, ठीक है, जितना रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी और वोमेन के, तो यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष है। ठीक है, कितना? 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। और इसमें जो विधान परिषद है इसमें प्रत्येक यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल में 1/3 सदस्य है, चाहे किसी भी विधान परिषद के वो 1/3 सदस्य यानी कि बदलाव हो जाता। जैसे कि हमने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 100 हैं, लेकिन हमने 99 मान लिया, ठीक है, या 100 ही हैं, ठीक है, ऐसे ही मान लो, तो हमने भाग ही देंगे, तो भागफल ही देखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 33 सदस्य हो जाए। यानी कि इसका मतलब है 100 में से 33 सदस्यों का 2 वर्ष में बदलाव होगा। ठीक है, फिर अगले फिर 2 वर्ष में फिर इतना बदलाव, तो 1 सदस्य का जो टर्म्स है वो कितने तक रहता? 6 साल तक रहता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 6 वर्ष तक एक प्रत्येक सदस्य का, 1 सदस्य 6 वर्ष तक रहता है। आगे समझ में? ऐसे वो भर लिए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं, बदलाव होता रहता है। ठीक है, और फिर ले लिए जाते हैं, फिर ठीक है जितने निकाले फिर आगे फिर, ठीक है, फिर जोड़ दिए, फिर निकाल दिए 2 साल में, तो 1 सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल हो। आगे चलेंगे इसमें जो योग्यता है, योग्यता, ठीक है, यहाँ पर जो नागरिक होना चाहिए यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आयु यानी कि ये ध्यान रखिए 25 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपके लोकसभा की आयु है वही यहाँ पर आपके यानी कि विधानसभा की वही क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा का जहाँ से आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहाँ का मतदाता सूची में आपका पंजीकरण होना चाहिए, यानी मतदाता सूची में नाम होना। यहाँ पर दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए यानी कि मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल का जो कानून है उसके द्वारा, ठीक है, उसको यानी कि अयोग्य घोषित तो नहीं कर दिया, तो अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर कोई भी चुनाव में कोई भ्रष्टाचार का अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार का यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव के दौरान कोई उसने भ्रष्टाचार तो नहीं किया, वो आरोपी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी विधानसभा या, ठीक है, लोकसभा के किसी भी सदस्य को 2 वर्ष से ज़्यादा के, 2 वर्ष या तो 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है, एक भी दिन कम होगा तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। जैसे कि 199 दिन किसी का मतलब, इसका मतलब है जैसे कि 2 साल है, 2 साल का मतलब है जैसे 365 है, 365 का अगर डबल कर दे उससे एक कम यानी एक दिन भी कम होगा तब भी उसकी सदस्यता बची रही। अगर कंप्लीट 2 साल हो के सदा मिली है किसी को तो फिर वो यानी कि 6 साल तक के लिए उस पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि, ठीक है, यानी कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता ना लोकसभा। तो यहाँ पर 2 वर्ष की दो वर्ष से ज़्यादा की सजा हो, ठीक है, 2 वर्ष से थोड़ा भी कम है तब भी वो अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, अगर अब यहाँ पर जो यहाँ पे ये क्राइटेरिया दिया गया तो यहाँ पर सिर्फ आयु का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 25 वर्ष है और यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा सदन है यानी कि उच्च सदन है, ठीक है, बड़ों का सदन है, तो यहाँ पर कितनी है? 30 वर्ष है। क्लियर है? बाकी सारी चीजें जो इसमें दे रखी, यहाँ पर जो दे रखे हैं योग्यता में वही इसकी दे रखे हैं, यहीं से आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी आपका कुछ नहीं आता। ठीक है, बाकी आप जितनी लिस्ट मेरी देखना चाहेंगे तो वो मैं बता चुका हूँ कि मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है जो कि अभी करंटली जो अभी है प्रेजेंट में,
तो वहाँ पर विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की पूरी लिस्ट मैंने वहाँ पर डाल दिया, पूरा वेरीफाई भी किया है, ठीक है। और वहाँ पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग में भी मैंने पूरा सिस्टम दिया, तो जहाँ पर भी मैंने कोई चीज़ दी तो पूरा वहाँ पर विस्तारपूर्वक दिया। अगर वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आता तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके, ठीक है, बताएं कि आपको कैसा लगा। और ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर हम कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आपको मिल सकें, और आप उसका, ठीक है, क्योंकि परीक्षा का दौर है और आपको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है, और आप 100% परीक्षा हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ साथ आपको नॉलेज ज़्यादा होगी तो आप फटाक से कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।